आप कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज का लुक मैं आपके लिए क्रिएट करने जा रही हूँ कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए, क्योंकि कॉलेज जाते टाइम बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता है मॉर्निंग में मेकअप के लिए। क्योंकि हर गर्ल की विश होती है वो कॉलेज में सबसे स्टाइलिश और डिफरेंट लगे, क्योंकि कॉलेज में मैंने भी 6-7 ईयर्स स्पेंड किए हैं। मैं भी इसी तरह से रेडी हुआ करती थी अपनी कॉलेज लाइफ में, बिकॉज मुझे पता है मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है और मेकअप के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके लिए एक कॉलेज लुक क्रिएट करूं, जिससे कि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज पहले से ही कर लिया है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ न्यूट्रीजीना की सनस्क्रीन। इसमें है SPF 50+ और ये UVA एंड UVB रेस से प्रोटेक्ट करती है। और वैसे भी कॉलेज गोइंग गर्ल को सनस्क्रीन तो बिल्कुल अवॉइड करनी ही नहीं चाहिए। बहुत सी गर्ल्स को मेकअप पसंद नहीं होता है, तो वो सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करके ही कॉलेज जा सकती हैं। बट मोस्टली हम गर्ल्स को मेकअप करना पसंद होता ही है। अब लड़की है तो मेकअप भी करेंगे ना यार। इसे अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लें। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ये लैक्मे का 925cc क्रीम। ये आपको एक फ्रेश लुक देगी और ये एक शेयर कवरेज देती है। कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए बहुत अच्छी सीसी क्रीम है ये। आप चाहे तो बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ। इसे अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर ले, फेस और नेक दोनों पे। नेक को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। मैं इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं ब्रश की हेल्प से कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो आप बेबी पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं मैबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ और अपनी सीसी क्रीम को अच्छे से सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मियोन खोल काजल। इसे मैं अपनी आईज के वॉटर लाइन अपर और लोअर पर अप्लाई कर लूंगी। आप चाहे तो थिक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को थिक काजल अप्लाई करना बहुत पसंद होता है। मैंने इसे अपनी आईज के अपर और लोअर वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो इस सेम काजल को अपनी अपर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर सकती हैं। अब मैं यूज कर रही हूँ ये मालियो का मस्कारा, हाई इम्पैक्ट मस्कारा। मैं इसे अपनी आईज के अपर और लोअर आई लैशेस पर अप्लाई कर लूंगी। मस्कारा से लैशेस बड़ी बड़ी लगती हैं। इसके बाद मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लूंगी। मैं अपनी ब्रोज की नेचुरल शेप ही रखूंगी। कॉलेज में ज्यादा आईब्रो फिल अच्छी लगती भी नहीं है। वैसे तो कॉलेज में हाइलाइटर अच्छा लगता नहीं है, मैं तो अपने टाइम पे नहीं लगाती थी, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स को हाइलाइटर पसंद होता है, तो मैं सिर्फ अपनी ब्रिज ऑफ द नोज पर हाइलाइटर अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट कर लूंगी मेकअप सेटिंग स्प्रे से। अब लास्ट में मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। ये लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है। आप चाहें तो लिप ग्लॉस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को लिपस्टिक पसंद नहीं होती है। या पिंक की जगह आप कोई भी लाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं।